मदानी लाउंज के बाहर, तो अभी मैं एंटर करने वाला हूँ लाउंज में, क्योंकि मेरे पास है फ्लिपकार्ट का, सॉरी एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड, जिसमें एक लाउंज एक्सेस फ्री है पर क्वार्टर, तो मैं वो यूटिलाइज़ करने वाला हूँ और बैठने वाला हूँ। हेलो गाइस, तो मैं हूँ अभी अडानी लाउंज के पीछे, तो अभी मैं एंटर करने वाला हूँ अडानी लाउंज में, और मेरे पास जो है एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है, जिसमें एक एक्सेस फ्री मिलता है पर क्वार्टर, मतलब कि हर क्वार्टर में एक एक्सेस फ्री है कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो मैं आज अवेल करने वाला हूँ और आपको भी दिखाऊंगा कि अंदर कैसे सर्विसेज है, क्या फूड आइटम्स ऑप्शन अवेलेबल। देख सकते हैं कि अडानी लाउंज का स्टैम्प मेरे बोर्डिंग पास पे लग गया है और मैं एंटर कर गया हूँ अडानी लाउंज में। सो यहाँ पे न्यूज़पेपर रखे गए हैं और सैनिटाइज़र वगैरह। ये है सिटिंग एरिया, ये है वॉशरूम बहुत ही नीट एंड क्लीन। ब्रेकफास्ट में है खमन ढोकला और सांभर, उसके बाद में मेदू वड़ा, इडली, और ये है पोटैटो वेजेस, स्क्रैम्बल्ड एग, बॉइल्ड एग, टी,
मेरा ब्रेकफास्ट जो मैंने लिया है, इडली, वड़ा, ढोकला, पोटैटो वेजेस, चटनी और टोमेटो चटनी और थोड़ी सी सेव भी है। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। तो अभी मुझे लगी है बहुत भूख, तो मैं खाता हूँ और आप लोग रनवे का नज़ारा एंजॉय कीजिए। ब्रेकफास्ट मेरा अभी हो गया है और मैं यहाँ पे अभी बैठा हूँ लाउंज में, लाउंज सीट में, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे। जी हाँ, तो मैं यहाँ पे लगभग अभी 10-15 मिनट अभी टाइम है बोर्डिंग गेट्स ओपन होने में, तब तक मैं यहाँ पे वेट करूँगा। और अगर इस लाउंज के बारे में बात कराऊँ तो जो फूड था वो एवरेज था, इतना वर्थ नहीं था। बट हाँ, बाकी का जो एम्बियंस है, सिटिंग अरेंजमेंट्स और जो क्लीनलीनेस है वो तो बात करूँ इसके चार्जेस की, तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक जो कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस वाला क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो सिर्फ 2 रुपीज़ चार्जेस है, जो रिफंडेबल भी है। तो एक बार वो कट हो जाते हैं और फिर इसके बाद में उसका रिफंड भी आ जाता है। पर अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है लाउंज एक्सेस वाला कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसके जो चार्जेस है वो है 1500 पर पर्सन, और आप 3 आवर्स आपके बोर्डिंग टाइम से पहले यहाँ पे आके बैठ सकते हो। तो 2 रुपीज़ का जो चार्जेस है वो ठीक लगा मुझे, इसलिए ओके है। बट 1500 के लिए तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। तो अभी जो बोर्डिंग गेट्स हैं वो ओपन ही होने जा रहे हैं, तो मैं चल रहा हूँ अपने गेट की तरफ। सी यू सून।